पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में आ, अच्छा एक दो चीज़ें बस मैं आप लोगों से पूछूंगी ठीक है मुझे ये बता दो कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में जो स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स हैं जिसमें टीएलसी और वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम है उनको क्या होता है वो इनक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं ऑबस्ट्रक्टिव लंग डिजीज में ठीक है ओके अब आपने मुझे ये बताना है कि जो डी एल सी ओ है डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी है जो एलवीरा मेम्रेन परमेबिलिटी है वो किस ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में उसको मतलब उसमें ऑल्ट्रेशन आती है और जो ऑल्ट्रेशन आती है वो क्या आती है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है यस yes. क्योंकि बेसिकली एल्ब्यूलर मेम्ब्रेन में जहाँ पर भी डिस्टर्ब होगी वहाँ पर ऑक्सीजन की जो ट्रांसफर है फ्रॉम द एलवर टू द ब्लड वेसल्स वो ऑल्टर हो जाती है तो इस वजह से डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी जो है डिफ्यूजिंग uh, uh, वो सिर्फ और सिर्फ एम्फाइसीमा में ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में जो है वो डिस्टर्ब होती है क्योंकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस तो ब्रोल या uh, ब्रोंकस को इन्वॉल्व कर रही है ना और एम्फाइसीमा फाइसीमा के लेवल पे इन्वॉल्व कर रही होती है तो बेसिकली इस तरह से आपको एमसीक्यू आ सकता है और जितनी भी इंट्रस्टिशियल लंग डिजीजेस हैं जो लंग के पेरेंट कामा को इन्वॉल्व करती हैं उसमें भी आपके पास ये जो एलवीलर में ब्रेन प्रमेबिलिटी है ये ऑल्टर हो जाती है डिक्रीज हो जाती है ठीक है और एफ ई वी वन बाय एफ वी सी की जो रेशियो है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है एग्जैक्टली exactly. ठीक है वो रिड्यूस होती है और नॉर्मल वैल्यू हम क्या लेते हैं इसकी कितने परसेंट लेते हैं या कोई वैल्यू है तो वो बता दो यस ठीक है मतलब इतनी नॉर्मल होनी चाहिए एटी टू वन ट्वेंटी परसेंट अगर एटी से कम हो जाएगी वो भी अब नॉर्मल है ज्यादा हो जाएगी तो वो भी अब नॉर्मल है ये कुछ टेस्ट से ही आप लोगों को होने चाहिए अच्छा एस्तमा में ना जो एस्तमा में एक दो क्वेश्चंस थे जब हम बुक खोलते हैं फिर उसको देख लेते हैं एस्तम के अंदर ना आपको जो है अक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ एस्तम वो बहुत आती है प्रॉफ के अंदर एक एस्तमा की और एक सीओपीडी की ये दोनों पीडियाट्रिक्स में भी और मेडिसिन में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है अब मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ आप लोगों के साथ डेविट्सन से पेज नंबर इज 573 ऑफ ट्वेंटी थर्ड एडिशन है डेविडसन का उस पे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज लिखी हुई है वहां से आज हमने स्टार्ट करना है ठीक है पेज नंबर का भी पता चल गया ओके okay. बेसिकली जो सीओपीडी है वो एक अम्ब्रेला टर्म है COPD हम किसी एक डिजीज को डिनोट नहीं कर रहे हैं COPD के अंदर दो डिजीज़ेस आती हैं उसको मिला के हम COPD कहते हैं ठीक है अब वो कौन सी डिजीज़ेस हैं ये हमने पैथोलॉजी में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ी हुई हैं तब हम इसकी पैथोफिजोलॉजी ज़्यादा डिटेल से पढ़ते थे और अब हमने इनकी इसका ट्रीटमेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन ये जो है ना डिटेल से पढ़नी है डायग्नोज ये हो जाती है ठीक है बहुत बहुत जनरल सा इसका सिनेरियो आता है ठीक है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे हम क्लिनिकल फीचर्स पे जाएंगे तो फिर हम एंड पे मेरे पास तीन चार क्वेश्चन भी हैं वो भी आपसे मैं पूछूंगी लेकिन पहले ये कर लें अच्छा सीओपीडी एक एम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर एम और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आती हैं दो डिजीजेस आती हैं ठीक है एस्तमा और सीओपीडी में हम ना एस्तमा और सीओपीडी को लेकर चलना है क्योंकि प्रॉफ में जब हम इसको डायग्नोज कर रहे होते हैं ना तो हमें एस्तमा के फीचर्स भी मिल रहे होते हैं और सीओपीडी के फीचर्स भी मिल रहे होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सीओपीडी है या ये एस्तमा है ठीक है तो अभी तो आपको लगेगा कि हाँ सीजनल वेरिएशन और अक्यूट एक्जर्बेशन और रिकंट अटैक्स इससे इजीली पता चल जाएगा कि ये अस्थमा है या सीओपीडी है लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है हमें नहीं पता चल रहा होता है इतना वेक क्वेश्चन होता है और मेडिसिन में मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसका डायग्नोसिस किसी को भी कन्फर्म नहीं होता है तो हमेशा हमें वहाँ पर डी डी बना के लिखने पड़ते हैं ठीक है सबसे मेन डिफरेंस आस्थमा का और सीओपीडी का है कि एस्थमा इज अ रिवर्सिबल डिजीज ठीक है हमने उसके अंदर ब्रोंकोडाइलेटर दे के रिवर्सिबिलिटी भी पड़ी हुई है ना कि वो रिवर्सिबल है और जब भी और हम इसलिए उसके अंदर चैलेंज टेस्ट कराते हैं मैथाकुलन चैलेंज टेस्ट कराते हैं क्योंकि समटाइम्स जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तब उसको वो वाले साइन सिम्टम्स नहीं आ रहे होते तब उसकी लैब्स में या तब उसके स्पायरोमीट्री स्पायरोमीट्री इज पलमनरी फंक्शन टेस्ट उसकी स्पायरोमीट्री में हमें वो पैटर्न नहीं मिल रहा होता ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का तो हम फिर उसको मैथाकुलन देते हैं चैलेंज टेस्ट कराते हैं उसकी एयरवे का हाइपर एक्टिविटी चेक करते हैं देन वी कैन डायग्नोज एस्तम लेकिन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज इज एन इरिवर्सिबल डिजीज ठीक है ये इरिवर्सिबल डैमेज कॉज करती है तो ये जो इसकी डेफिनेशन है ना में schema, में डिफाइन डिफाइन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा लॉन्ग केस अगर आ गया क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया सर्दियों में आता है तो रेस्परेटरी के केसेस तो बहुत ज्यादा होते हैं और सीओपीडी आपको वार्ड में सीओपीडी के बहुत पेशेंट्स मिलते हैं बहुत ज्यादा जिसके हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी का वार्ड है वहां पर तो सीओपीडी ही मिलेगी आपको सबसे ज्यादा ठीक है तो सीओपीडी इज डिफाइंड एज ए स्ड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन दर बेसिकली एक ऑब्सट्रक्टिव डिजीज है अभी आप मुझे बता दो कि इस ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में क्या पैटर्न आएगा पलमनरी फंक्शन टेस्ट का जल्दी से टाइप करो कि पलमनरी फंक्शन टेस्ट जो टी एल सी रेजिडल वॉल्यूम है फीवी वन है और टाइटल है उसके अंदर क्या टोटल लंग कैपेसिटी है क्या चेंजेस आएंगे उसके अंदर एक्सीओपीडी के अंदर ठीक है हाँ स्टैटिक लंग वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे डीएलसी वीसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ठीक है और एफ ई वी वन टू एफ वी सी को क्या होगा उसके रेशे को क्या होगा यस एफ ई वी वन टू एफ वी सी की रेशियो जो है वो डिक्रीज होगी ठीक है अब एक और बात भी याद रखो कि हमने जैसे एस्तमा में भी पढ़ा था ना एयर जब ट्रैप हो रही होती है तो इसमें भी जब एयर अंदर ट्रैप रहेगी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तो लंग्स को क्या होगा लंग्स के अंदर एयर ज्यादा है लंग्स को क्या होगा ट्रैप कर रही है इजिली बाहर नहीं जा रही है जो है, यस, yes, लंग्स कर जाएंगे, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होते हैं आपको एक्सरे के अंदर हाइपर इनफ्लेटेड लंग्स भी मिलते हैं ठीक है लेकिन ये ये दो तीन चीजें मैंने आपसे इसलिए जनरल पूछ ली है ताकि आपको मैं देखना चाह रही हूँ कि आइडिया हो गया इन चीजों का या नहीं अच्छा फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे अब ना आगे इसकी दो अम्ब्रेला ये जो अम्ब्रेला टर्म थी उसके अंदर जो दो इसकी कैटेगरीज हैं एंड है क्या है क्रॉनिक प्रोकाइटिस ये है कि तीन महीने तक दो साल लगातार मतलब हर साल तीन महीने अगर कफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन हो रही है इंसान को एक पर्सन को ठीक है तो हम उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लेबल करते हैं कफ एंड स्पूटम फॉर एटलीस्ट थ्री मंथस इन ईच ऑफ टू कंजेकेटिव इन ठीक है मतलब एक साल में भी तीन महीने अगले साल में भी तीन महीने लगातार उसको काफ एंड स्कूटम की कंप्लेन रही है तो दैट इज क्रॉनिक ब्रकाइटिस ऐसे ही वो डेफिनेशन पूछते हैं ठीक है And what is emphysema? Emphysema, हम 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 के लेवल के के पे 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 करते 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 हैं 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 कर लेते को इसमें क्या होता है इसमें जो जो एयर स्पेसिस हैं जो एल्विलाय हैं वो परमानेंटली अब नॉर्मली इन कर जाते हैं ठीक है उनकी जो वॉल्स वॉल्स हैं एलवि की वो उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उनका जो मेन फंक्शन होता है जो उनमें इलास्टिसिटी होती है वो खत्म हो जाती है जो उनका मेन फंक्शन होता है एयर एक्सचेंज का वो खत्म हो जाता है उनके अंदर ठीक है तो दैट इज एम्फाइसीमा क्रॉनिक ब्रोकाइट ये है कि कफ एंड एटलीस्ट थ्री मंथ्स फॉर टू कंजेकेटिव इयर्स एंड एम्फाइसीमा इज अब नॉर्मल इनार्जमेंट परमानेंट डायलेटेशन ऑफ एयर स्पेसिस ठीक है और ये भी याद रखना है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज बेसिकली ऑफ लार्जर एयरवेज मतलब ये ब्रोंकियोल से ऊपर ऊपर तक है ठीक है मतलब ये हमारे ब्रोंकस को इन्वॉल्व कर रहे हैं और जो एम्फासीमा है वो एल्व्यूलर एयर स्पेसिस जो है उनको इन्वॉल्व कर रही है सबसे स्मॉलर एयरवेज को एम्फासीमा इन्वॉल्व करता है एम्फासीमा मतलब स्मॉल एम्फासीमा में स्मॉलर एयरवेज इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में लार्जर एयरवेज इन्वॉल्व हो रहे होते हैं इन दो चीजों का इसलिए बताना जरूरी है इससे हमें यह पता चलेगा कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में बेसिकली स्पूटम और कफ की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है ठीक है और एज कंपेयर टू एम्फाइसीमा एम्फाइसीमा में लंग्स हाइपर इन्फ्लेट हो रहे होते हैं और एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का डिफरेंस भी यहाँ नहीं कोई पूछेगा आपसे यहाँ पे आपसे कोई इंडिविजुअली uh, डायग्नोसिस भी नहीं पूछेगा कि ये एम्फेसीमा ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है आपको सिर्फ सीओपीडी का पता होना चाहिए लेकिन अपने लेवल पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फोसीमा का डिफरेंस पता होना लाजमी है अच्छा हम हिस्ट्री टेकिंग जब करते हैं सीओपीडी के पेशेंट की जब हिस्ट्री लेते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना सीओपीडी के पेशेंट का दैट इज टोबैको सिगरेट स्मोकिंग मेन जो इसकी मेन रिस्क फैक्टर है दैट इज सिगरेट स्मोकिंग 95 परसेंट ऑफ द केसेस में सिगरेट स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से जो सीओपीडी को लीड कर रहा होता है ठीक है अच्छा लेकिन कितनी सिगरेट स्मोकिंग ठीक है तो टेन पैक ईयर्स जो है ये लास्ट पैराग्राफ में जो मैंने लिखे हुए ना टेन पैक ईयर्स जो है वो उससे कम जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता लेकिन टेन पैक ईयर्स से ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग अगर किसी की हिस्ट्री में आ गई है तो दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेमनरी डिजीज एंड अब आप लोग पूछोगे या आप लोग सोचोगे पूछा नहीं है तो कि व्हाट इज टेन पैक इयर्स किसी को आइडिया है कि ये पैक इयर्स का मतलब क्या होता है ये निकालना पहले तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था फोर्थ ईयर में थर्ड ईयर में जब हम हिस्ट्री लेते थे लेकिन फाइनल ईयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछेगा जब भी आप सीओपीडी की हिस्ट्री सुना रहे हो या आपने अपने डिफरेंशियल में सीओपीडी रख लिया है तो आपसे अगला क्वेश्चन यही होगा कि पेशेंट के कितने पैक ईयर्स थे सिगरेट स्मोकिंग के ठीक है तो ये जो चीज मैंने अंडरलाइन की हुई है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एक इंसान क्योंकि आपको अगर ये जनरल इंफॉर्मेशन है ये हर किसी को होनी चाहिए एक सिगरेट की डब्बी के अंदर बीस सिगरेट्स होती हैं ठीक है तो अगर एक इंसान दिन में एक डब्बा पूरा सिगरेट का पी जाता है और वो पूरा एक साल तक पी रहा है तो दैट इज वन पैक है 20 सिगरेट एक दिन वो लगातार पूरा साल पीता रहा है तो दैट इज वन पैक ईयर और अगर अब आप लोगों ने मुझे बताना है ठीक है अगर एक इंसान 10 सिगरेट एक दिन रोज जो है वो पूरा साल पीता रहा है तो वो कितने पैक ईयर होंगे यहाँ पर तो 20 है ना एक तो 20 पीता रहा है पूरा एक साल और रोजाना 20 सिगरेट्स अ डे तो अगर वो टेन सिगरेट्स डे पीता रहा है तो फिर कितने पैक ईयरस होंगे यस यस हाफ हाफ ईयर्स ईयर्स होते हैं और अगर इस पेशेंट की हिस्ट्री तीस साल की है तीस साल से वो दस सिगरेट रोजाना पीता है तीस साल हो गया उसको ठीक है तो फिर कितने पैक ईयर्स निकलेंगे उसके तीस साल हो गया उसको सिगरेट और ये हिस्ट्री देते हैं पेशेंट्स वार्ड के अंदर वो कहते हैं हम तो सात आठ साल के थे और अब वो बाबा जी होते है, 60, के वो कहते हैं साल से हमने सिगरेट शुरू कर दी थी तो अगर कोई साल से दस सिगरेट रोजाना पीता है थर्टी गए तो कितने पैक इतना उसके तो फिफ्टीन पैकर्स उसके निकलेंगे बिल्कुल yes, exactly, पैक पैक स निकलेंगे उसके और अगर यही बंदा दस की बजाय बीस सिगरेट्स रोजाना पीता तो यहाँ पर उसके थर्टी पैक ह्योर्स निकलने थे तो ये फिफ्टीन और थर्टी दोनों ही बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि दस पैक हीयर्स से ज्यादा जब भी हो जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं और हम हर उस बंदे के अंदर जो फोर्टी ईयर्स से ऊपर है और वह सिगरेट स्मोकिंग करता है और उसके पैक ईयर्स टेन पैक ईयर से ज्यादा हैं हम उसमें आ, उसको कफ की कंप्लेंट है तो हम उसको सीओपीडी लेबल कर सकते हैं वो सीओपीडी का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ठीक है तो ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए तो ये जो एक बॉक्स बना हुआ है इसमें रिस्क फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज लिखी हुई है ठीक है सबसे मेन है टोबैको स्मोकिंग ठीक है नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द केसेज में वेस्ट में भी और हमारे यहाँ पे भी एशिया में भी बहुत ज्यादा कॉमन रिस्क फैक्टर है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जब हमने इसका ट्रीटमेंट पढ़ना है ना तो जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या इसकी मोर्टैलिटी को सीओपीडी की रिड्यूस करता है ना वो एक वो दो चीजें हैं बस उसमें से एक आपने पढ़ ली है दैट इज सिगरेट स्मोकिंग और ये प्रॉफ का एमसीक्यू है कि रिड्यूस कौन करता है मोर्टेलिटी को लाइफ स्टाइल जो चेंजेस हैं या फिर लंग के अंदर जो इिवर्सिबल चेंजेस आ गई होती हैं उनका उ, उ, उसकी वजह से जो मोर्टैलिटी हो रही होती है उनको कौन रिड्यूस करता है तो दैट इज सिजेशन ऑफ सिगरेट स्मोकिंग तो ये भी प्रॉफ का हमें एमसीक्यू इसी साल आया हुआ है तो ये आपने याद रखना है एक सिगरेट स्मोकिंग का दूसरा जब हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तब पढ़ते हैं उसको ये सारे आपने याद रखने हैं कोल्ड डस्ट सिलिका और लो बर्थ वेट और अगर चाइल्डहुड इंफेक्शन है ब्रॉन्क है और अगर रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हैं ए गैमाग्लोबलोनीमिया हैं ठीक है ये सारी चीजें जो हैं ये सीओपीडी uh, के रिस्क को एनहेंस करती हैं और होस्ट फैक्टर्स में अब ये तो ऊपर वाले जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ना ये तब हम लेबल करते हैं अगर फोर्टी ईयर्स से अबव एज पेशेंट की और वो कफ के साथ प्रेजेंट किया है और उसकी हिस्ट्री है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में से किसी भी चीज की अगर यंग एडल्ट के अंदर लेस देन फोर्टी के अंदर हमने सस्पेक्ट करना हो कि इसको सीओपीडी हो सकती है तो कौन सा रिस्क फैक्टर होगा वो होस्ट फैक्टर्स में एक जेनेटिक फैक्टर आ जाता है दैट हैल्फा वन एंटी ट्रिप्सन की डेफिशिएंसी ये भी का एमसीक्यू है ठीक है यंग एडल्ट्स में लेस देन फोर्टी इयर्स ऑफ एज के अंदर सीओपीडी को अगर सस्पेक्ट करना हो तो कौन सा रिस्क फैक्टर होगा दैट इज एल्फा वन एंटी की डेफिशिय ओके okay. फिर है उसके बाद ये थे सारे इसके रिस्क फैक्टर्स भी प्रॉफ में आए हुए पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम देख लेते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी में बेसिकली हो क्या रहा है ओके okay. अब ये देखो इस तरफ एक एलविलाय बनाया हुआ है इन्होंने जहां पर लिखा हुआ है लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू एंड अनअपोज्ड एक्शन ऑफ प्रोटीएजेस एंड ऑक्सीडेंट्स अच्छा ये सिगरेट स्मोकिंग जो है उसके अंदर इतने ज्यादा टॉक्सिन इतने ज्यादा जो है रेडिकल्स ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स वो प्रोड्यूस कर रहा होता है कि ये सारी जो इन्फ्लेमेशन और प्रोटीएजेस जो इलास्टेजेस बन रहे होते हैं ना ये सारे एल्विलाई की इलास्टिन को डिस्ट्रॉय करते हैं इसकी वजह से ये एम्फासीमा हो रहा होता है ठीक है इस तरह से स्मोकिंग का रिलेशन है एम्फासीमा के साथ तो जब ये प्रोटीएजेस बनेंगे ठीक है और ऑक्सीडेंट्स बनेंगे और डिस्ट्रक्ट प्रोटीएजिज क्या करेंगे प्रोटीएजिज में एक इंजाइम आता है इलास्टेज इलास्टेज पूरी की पूरी इलास्टिक टिश्यू जो है एलवेलाइका उसको डिस्ट्रॉय कर देगा लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू होगा इन्फ्लेमेशन होगी फाइब्रोसिस होगी एयरवे वॉल के अंदर और रिजल्ट इन प्री मेच्योर एयरवे क्लोयर गैस ट्रैपिंग एंड डायनेमिक हाइपर इन्फ्लेशन लीडिंग टू चेंजेस इन पल्मनरी एंड चेस्ट वॉल कंप्लायंस अच्छा अब इधर ही समझ लो ये तो समझ आ गया ना कि हाइपर इन्फ्लेशन होती है लंग्स की ये भी समझ आ गया कि एलवीलाइड डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं ठीक है और इलास्टिक टिश्यू की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है एक और चीज जब हाइपर इनफ्लेटेड लंग्स होंगे तो चेस्ट की शेप भी चेंज हो जाती है और ये भी आप वार्ड में देखोगे अपने इतने पेशेंट्स में सीओपीडी के बैरल शेप चेस्ट हो जाती है ठीक है बैरल शेप्ड चेस्ट हो जाती है यूजली एपी ट्रांसमीटर ज्यादा होता है चेस्ट का या ट्रांसफर डायमीटर ज्यादा होता है एंटीरोपोस्टीरियर डायमीटर ज्यादा होता है या ट्रांसफर डायमीटर ज्यादा होता है यस एग्जैक्टली ट्रांसफर्स डायमीटर चेस्ट का नॉर्मली ज्यादा होता है और इसका भी वार्ड uh, के अंदर तरीका सीख लेना ट्रांसफर्स डायमीटर कैसे चेक करते हैं अक्सर औकात जो है वार्ड uh, में कोई ना कोई एग्जामिनर कह देता है आपसे कि डायमीटर चेक करके दिखाएं तो सरकम फ्रेंस ने चेक करना होता है चेक करना होता है अच्छा चलो ये बाद की बात है तो इसमें हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से एपी डायामीटर ज्यादा हो जाता है चेस्ट uh, का और ट्रांसफर कम हो जाता है या एपी डायमीटर ट्रांसफर्स डायमीटर बिल्कुल इक्वल आ जाता है इसे कहते हैं बैरल शेप चेस्ट तो ये बैरल शेप चेस्ट जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है सीओपीडी का अच्छा अब हमने ये स्मॉलर एयरवेज की बात कर ली एम्फासीमा की अब इधर वाले दो पॉइंट देखो जो लेफ्ट हैंड पे बने हुए हैं इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे जो लार्जर एयरवेज हैं ट्रेकिया ब्रोंकस मेन ब्रोंकस ये चीजें इन्वॉल्व हो रही होती हैं इसके अंदर वो कहते हैं कि म्यूकस क्रिएटिंग जो ग्लैंड हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से उनके अंदर गॉबलेट सेल्स ज्यादा हो जाते हैं ठीक है गॉबलेट सेल ज्यादा होंगे म्यूकस भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा ठीक है और इन्फ्लेमेशन भी साथ साथ हो रही है तो इस म्यूकस के ज्यादा होने से जो स्पूटम और कफ की प्रोडक्शन होती है इसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं ठीक है तो जो एंड स्पूटम प्रोडक्शन है वो ज्यादा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर आती है जो डिस्निया की कंप्लेट आएगी ब्रेथलेसनेस की कंप्लेन आएगी वो आती है हमारे पास एम्फाइसीमा के अंदर ठीक है और इसमें अगर देखो तो इसमें लार्ज एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ठीक है तो इसमें सांस लेने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी डिस्निया की कंप्लेन आती है ठीक है और लेकिन एम्फाइसीमा के अंदर ज्यादा आ रही होती है फिर मैं बता रही हूँ कि एम्फासीमा और सी को डिफ्रेंशिएट नहीं कोई भी करवाएगा आपको लेकिन ये सिर्फ एट वेरी डीप लेवल के इसमें लार्ज एयरवेज इन्वॉल्व है तो इसलिए म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है और स्पूटम और काफ की प्रोडक्शन हो रही है और उसके अंदर गैस ट्रैपिंग और हाइपर इन्फ्लेमेशन की हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स की वजह से जो है चेस्ट वॉल की कंप्लाइंस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है ये सारी चीज़ें हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी में फिर उसके बाद हम चलते हैं इसके अच्छा ये जो सेवनटीन पॉइंट टू फाइव है ना पेज नंबर फाइव सेवेंटी फाइव पे मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल डिस्निया स्केल ये आपने हिस्ट्री टेकिंग में इस तरह से पेशेंट को डिफाइन करना है कि वो किस ग्रेड में आ रहा है ग्रेड जीरो वन टू थ्री फोर में आ रहा है ठीक है ये आपकी हिस्ट्री टेकिंग के लिए इससे आपका कोई एस सी क्यू पॉइंट एमसीक्यू पॉइंट कोई नहीं पूछता इन ग्रेड्स को लेकिन ये आपकी हिस्ट्री टेकिंग में आपको पता होना चाहिए ओके कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स क्लिनिकल फीचर्स में हमने ऑलरेडी बात कर ली अच्छा यहाँ पर भी आपसे कोई नहीं पूछेगा सेंट्री लोबार पैन एसिनार और सेंट्री एसिनार और ये चीजें कोई भी नहीं पूछेगा एम्फाइसीमा में ओके okay. अब बात आती है क्लिनिकल फीचर्स में क्लिनिकल फीचर्स में अभी तक आप लोगों को जो जो क्लिनिकल फीचर्स समझ आ गए हैं उनको जरा लिस्ट डाउन करो कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स क्रॉनिक जो है सीओपीडी के पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है ठीक है बैरल शेप चेस्ट कफ और कफ तो एस्तमा में भी होती है ना एस्तमा की कफ को इससे कैसे हाँ यस स्पूटम कफ विथ स्पूटम कफ विथ स्पूटम एंड क्रॉनिसिटी ठीक है यस साइनोसिस भी होगा लेकिन साइनोसिस और आपको ये ब्लू ब्लॉटर्स और पिंक पफर से डिफ्रेंशिएट करना है ठीक है अब कफ ड्राई कफ थी एस्तमा के अंदर ठीक है ना एस्तमा के अंदर अगर सुपर एडिड इन्फेक्शन हो गया अगर ऊपर उसके एसबर्थ हो गया अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया अस्थमा के पेशेंट को एंड दैट इज वेरी रेयर तो पेशेंट स्पूटम के साथ प्रेजेंट कर सकता है तो पेशेंट हिमाप्टिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है लेकिन यहाँ पे पेशेंट ने प्रेजेंट ही आपके पास किया कफ विद स्पूटम के साथ एंड क्रोनिसिटी ठीक है उसके अंदर क्या था देर वर ट्रिगर्स ट्रिगर्स क्या क्या था उसके अंदर डस्ट पोलन सीजनल अटैक्स ठीक है इसके अंदर भी ट्रिगर्स होते हैं लेकिन इसके अंदर ट्रिगर्स होते हैं इन्फेक्शन ठीक है तो इस तरह से रिलैप्स नहीं होता जैसे एस्तमा का रिलैप्स हो रहा है या इसमें इस तरह की हिस्ट्री नहीं होगी कि हर साल विंटर सीजन में या हर साल हर वेस्टिंग सीजन में पेशेंट को अटैक्स हो रहे हैं इसमें ऐसे होगा कि पेशेंट को पहले भी ऐसा हुआ था आज से कोई पांच छह साल पहले और अब फिर यही पेशेंट की कंप्लेन है लेकिन वो क्रॉनिक बताएंगे कि पेशेंट को डिस्निया है कफ विथ स्पूटम है और अब ये ज्यादा हो गया दिस सीओपीडी और ये बहुत साल से चल रहा होगा ठीक है ये कोई छह सात महीने की नहीं हिस्ट्री होती ये बहुत लंबी हिस्ट्री चल रही होती है ये हो गया सीओपीडी ठीक है अब सीओपीडी कफ एंड एसोसिएटेड स्पूटम प्रोडक्शन और यूजली द फर्स्ट सिम्टम्स इसे हम स्मोकर्स कफ भी कहते हैं ठीक है और अब यहाँ पे Uh, जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आ गया स्पूटम आ गया उसके अंदर आती थी अस्थमा के अंदर कौन सी एडिड साउंड आती थी अस्थमा के अंदर एक एडिड साउंड पड़ी थी हमने यस yes, एग्जैक्टली exactly. उसके अंदर वीज आती थी अब आप लोगों का एक ये कॉन्सेप्ट बना हुआ था वीज के रिलेशन में कि वीज तब आती है जब ऑब्स्ट्रक्शन ठीक है तो इसके अंदर वीज आ सकती है, ठीक है ऐसा नहीं है कि वीज इसके अंदर नहीं आएगी जिसने जो पहला कोई जिसने पहला लेक्चर नहीं सुना कि वीज क्यों आती है तो अब मैं बता देती हूँ वीज इसलिए आती है जब नैरोड एयरवेज की वजह से जब उसके अंदर से आपका आप ब्रीथ करते हो या सांस लेते हो ठीक है तो एक म्यूजिकल साउंड क्रिएट होती है क्योंकि अगर आप विसल भी करो तो यू हैव टू नैरो योर माउथ जब आप माउथ को नैरो करोगे तो तब एक साउंड प्रोड्यूस होती है तो इसी तरह जब एयरवे नैरो होंगे तो तब एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज वीज तो वीज सीओपीडी के अंदर भी आ सकती है ठीक है लेकिन अब इसके अंदर स्पूटम है इसके अंदर सिक्रीशंस है इसके अंदर म्यूकस की बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो रही है ठीक है तो सिक्रीशंस की वजह से जो एयर की बबलिंग होगी और एल्विलाई सडनली ओपन होंगे तो एक और साउंड आती है

और जो प्रोड्यूस होती है साउंड दैट इज तो ठीक है इसके अंदर सुपर एडिट इन्फेक्शन की वजह से सिक्रीशंस की वजह से क्रैप्ट भी आ सकती हैं आपके लिए बस इतना पता होना जरूरी था कफ विथ स्पूटम डिस्निया एंड क्रोनिसिटी ये चीज और अब पेशेंट की कंप्लेन है कि अब वो चीज ज्यादा हो गई है ठीक है अच्छा अब एक और बात बताती हूँ हमने एक बात पढ़ी हुई है कि इसके अंदर क्योंकि ब्रेथलेसनेस है पेशेंट डिस्निया हो रहा होता है और ऑक्सीजन की एक्सचेंज में प्रॉब्लम हो रही होती है तो पेशेंट को हाइपोक्सिमिया होता है ठीक है ठीक है तो हाइपोक्सिमिया के रिस्पॉन्स में पेशेंट के ब्लड के अंदर क्या चेंजेस आएंगी हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स में पेशेंट के ब्लड के अंदर क्या चेंजेस आएंगी पेशेंट के ब्लड के अंदर पोलिसाइथीमिया होगा ठीक है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन को ज्यादा कराती है रिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन ज्यादा होगी तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो इन पेशेंट्स को पोलिसाइथीमिया भी होता है ठीक है एक ये फीचर भी आपने याद रखना है अब ये फीचर क्यों याद रखने वाला है पोलिसाइथीमिया वाला एयर की एक्सचेंज नहीं हो रही रिथ्रोपोइटिन ज्यादा बन रही है के में एक फीडबैक जा रहा है तो पोलिसाइथीमिया हो रहा है क्योंकि अगर सीओपीडी के पेशेंट को अनिमिया हो तो दैट इज अ ग्रेव साइन फॉर लंग कैंसर ठीक है सीओपीडी के पेशेंट को अनिमिया होना इज समथिंग वेरी डिफरेंट कि सीओपीडी के पेशेंट को अनिमिया नहीं हो सकता ये एक रूल नहीं है यूनिवर्सल रूल नहीं है लेकिन ऐसा समझा जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है जो कि अनीमिया की तरफ लीड करे एक क्रॉनिक इलनेस है लेकिन उस क्रॉनिक इलनेस की वजह से पोलिसाइथी हो रहा है इसके अंदर तो के साथ अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लंग कैंसर भी आ जाना चाहिए ठीक है एक चीज ये हो गई और इसके अंदर फिंगर क्लबिंग भी नहीं होती है सीओपीडी के अंदर फिंगर नेल क्लबिंग नहीं होती है ठीक है फिंगर क्लबिंग अगर हो गई है तो सीओपीडी कॉम्प्लीकेट करके ब्रॉन्की टेसिस में या लंग कैंसर की तरफ चली गई है तो ये दो चीजें हैं जो सीओपीडी के फीचर्स नहीं है एक क्लबिंग नहीं है इसका फीचर और एक अनिमिया नहीं है इसका फीचर ठीक है ये चीजें याद रखनी है आपने अभी तक हमने कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लिए हैं कफ विथ स्पूटम ब्रेथलेसनेस क्रॉनिसिटी हो गई उनकी ठीक है और फिर हमने ब्रेथ साउंड्स में क्रैकल्स पढ़ ली वीज भी आ सकती है अगर इसका बहुत रिसेंट अटैक हुआ है और पोलिसाइथीमिया येस और फिंगर क्लबिंग नहीं आएगी इसके अंदर और अगर फिंगर क्लबिंग आ गई तो हम और पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने की कोशिश करेंगे ठीक है कि ब्रोंकिअेसिज हो सकती है या लंग कैंसर हो सकता है या अदर फाइब्रोसिस हो सकती हैं ठीक है थीके? अब लंग फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है सारा का सारा ठीक है लंग सही तरह काम नहीं कर रहे हैं जब लंग सही तरह काम नहीं करेंगे तो पेशेंट को राइट हार्ट फेलियर भी हो सकता है ये बात सेंस बना रही है कि राइट हार्ट फेलियर क्यों हो रहा है लंग्स जब सही तरह काम नहीं करेंगे ठीक है तो पीछे उसके प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा अच्छा ये सारा सी में ही हमने पढ़ा हुआ था ना जैसे हमने अः जैसे हमने ये पढ़ा था ना कि लेफ्ट हार्ट फेलियर इज द मेन यस जैसे हमने पढ़ा था ना लेफ्ट हार्ट फेलियर इज द मेन कॉज ऑफ राइट हार्ट फेलियर ठीक है तो राइट हार्ट फेलियर की एक और भी कॉज थी दैट इज कोर पल्मोनेल ठीक है अब हम कोर पल्मोनेल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर लंग के फंक्शन की लंग के डिसफंक्शन की वजह से राइट right हार्ट जो है वो सही तरह काम नहीं कर पाएगा बैक प्रेशर ज्यादा होगा क्यों क्योंकि राइट right हार्ट से ब्लड जाना होता है लंग्स के अंदर ठीक है अब लंग्स के अंदर काम करता रहेगा लंग्स ठीक है और लंग्स काम नहीं करेंगे लंग्स के अंदर ब्लड अक्यूमुलेट होता रहेगा और पीछे भी बैक प्रेशर बढ़ जाएगा तो राइट हार्ट फेलियर में भी पेशेंट जा सकता है तो अब ये भी इसकी सीओपीडी की कॉम्प्लिकेशन हो गई ठीक है एक कॉज हमने पढ़ी थी कि लेफ्ट हार्ट फेलियर राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल लीड कर सकते हैं राइट right हार्ट के फेलियर को ठीक है अब एक और दूसरी कॉज पड़ी है कोर पलमोनेल जो कि लंग्स के डिसफंक्शन की वजह से जब लंग प्रॉपरली प्रोकर, फंक्शन नहीं कर रहे होंगे तो उसकी वजह से भी राइट हार्ट का फेलियर हो सकता है ये एक अदर कॉज है ये भी एक कॉमन कॉज है क्यों क्योंकि लंग्स के अंदर ब्लड जब जाएगा राइट हार्ट से तो वो एक तो आगे उसको आगे पंपिंग में प्रॉब्लम होगी ठीक है अब जब उसके अंदर अक्यूमुलेट होता रहेगा तो पीछे भी बैक प्रेशर बढ़ जाएगा तो राइट हार्ट फेलियर भी लेकिन ये एडवांस सीओपीडी में होता है ठीक है जब लंग्स प्रॉपरली बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते तो तब राइट हार्ट फेलियर में जा सकता है पेशेंट और वही राइट हार्ट फेलियर के साइंस हमने पढ़े थे अडीमा के साथ पे, पेरिफेरल अडीमा के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है असाइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है ब्रेथलेसनेस के साथ प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट तो ये दो चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं ठीक है अच्छा ब्लू ब्लॉटर्स किसको कहते हैं पिंक पफर्स किसको कहते हैं तो कई मार लो Yes. पिंक पफर्स कहते हैं एम्फाइसीमा को और ब्लू ब्लॉटर्स कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अच्छा अब क्यों कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पहले हम ब्लू ब्लॉटर्स की बात कर लेते हैं ठीक है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जो ब्रोंकियल ट्यूब्स थी जो मेन ब्रोंकस थे जो लार्ज एयरवेज थे जो कि एयरवे जो एयर को कैरी कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द लंग्स ठीक है उधर म्यूकस के प्लग्स बन जाते हैं म्यूकस की ओवर सिक्रीशन की वजह से गॉबलेट सेल की इंक्रीज होने की वजह से म्यूकस बहुत ज्यादा बनता है है ठीक म्यूकस प्लग्स बन जाते हैं इनफ्लमेशन होती है जो कि एयरवेज को इरिटेट करती है ठीक है तो उस म्यूकस की वजह से जो वो म्यूकस है वो इट मेक्स म्यूकस मेक्स इट हार्डर टू ब्रीथ ठीक है म्यूकस जो है वो सांस लेने में मुश्किल क्रिएट कर देता है मुश्किल बना देता है सांस लेने को ठीक है तो पेशेंट के लंग्स के पास इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है दैट्स वाई जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं उनको ब्लू ब्लॉटर्स कहते हैं जिसकी वजह से जिसने जिसने भी साइनोसिस का वर्ड बोला था ना इस वजह से पेशेंट को साइनोसिस होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जो म्यूकस का प्लग है वो इसको डिफिकल्ट बना देता है कि वो लंग्स की तरफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकें ये जो हमारे एयरवेज हैं जहां पे म्यूकस के प्लग्स बने हुए हैं या इन्फ्लेमेशन हुई हुई है तो इनफ ऑक्सीजन जब लंग्स के पास नहीं पहुंचेगी तो हाइपोक्सिमिया होगा और पेशेंट को साइनोसिस होगा तो इसलिए इसको ब्लू साइनोस्ड होते हैं एम्फासीमा अच्छा, में पढ़ा था एम्फासीमा में एयर अंदर जा रही है ठीक है और लंग्स के अंदर एयर है और बस एक्सचेंज में प्रॉब्लम हो रही है ठीक है तो अंदर एयर ट्रैप हो जाती है वजह से और पिंक पफर्स एम्फासीमा के अंदर लंग्स हाइपर इन्फ्लेट हुए होते हैं तो इसमें वैसा हाइपॉक्सीमिया नहीं होता जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से होता है तो इसलिए ये पेशेंट जो है नॉर्मल लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि इनके लंग्स में ऑलरेडी ट्रैप्ड गैस है ट्रैप्ड ऑक्सीजन है तो इसलिए एम्फाइसीमा के पेशेंट्स को पिंक पफर्स कहा जाता है ये जो पैराग्राफ बना हुआ है ना टू क्लासिकल फीनोटाइपिन इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है ठीक है पिंक में कहते हैं कि ये थिन और ब्रेथलेस एंड मेंटेन अ नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है और जो ब्लू ब्लॉटर्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन uh, नहीं होती है वो और ऑक्सीजन की कमी होती है और वो हाइपर कैपनिया हाइपर वेंटिलेट करते हैं वो जल्दी डेवलप कर जाते हैं तो इसलिए उनको ब्लू ब्लॉटर्स कहा जाता है और एम्फासीमा के पेशेंट्स के अंदर इनफ ऑक्सीजन होती है तो इसलिए उनके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी लेट स्टेजेस तक मेंटेन रहते हैं इसलिए उनको पिंक पफर्स कहा जाता है और उनमें साइनोसिस डेवलप नहीं होता ठीक है और क्योंकि ब्लू ब्लॉटर्स के पेशेंट को साइनोसिस होता है तो इसलिए उनके अंदर हाइपोक्सिमिया की वजह से सेकेंडरी पोलिसाइथीमिया भी डिवेलप हो सकता है ठीक है ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सेंस बनाती हैं लेकिन हर एक के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है ओके okay, ये थे सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स अब इस क्लिनिकल फीचर्स में से आपको मैंने फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर रही करी कंफ्यूज नहीं होना कि में में ये 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 था था ब्लू क्रॉनिक सिर्फ आपकी डिटेल के लिए मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं आपको ये बताना चाहिए ब्रेथलेसनेस कफ विथ स्पूटम एंड पोलिसाइथीमिया और फिर पेशेंट को पिंक पफर ब्लू ब्लॉटर्स का बता सकते हैं आपको बस और क्रैकल्स बता सकते हैं आपको ऑस्कल्टेशन के अंदर ये है सारी चीजें अभी हमने कोई सीजन की बात नहीं की कुछ भी नहीं बात की हमने और हमने किसी ट्रिगर की भी बात नहीं किया तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है इसके अंदर हाँ और आपको राइट हार्ट फेलियर का भी बता सकते हैं ठीक है अब इसके अंदर दो तरह की चेस्ट एक्सरे में प्रेजेंटेशन आ सकती है एम्फासीमा होगा तो लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड मिलेंगे आपको ठीक है और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट के अंदर आपको कोर पलमोनेल ज्यादा मिलने के चांसेस हैं ठीक है तो आपको एक पेशेंट के अंदर हो सकता है कार्डियोमोगैली मिल रही हो और एक पेशेंट के अंदर आपको लंग्स हाइपर इनफ्लेट मिल रहे हो तो चेस्ट एक्सरे की जो अः है उसके अंदर आपको हार्ट फेलियर भी मिल सकता है आपको लंग्स भी हाइपर इन्फ्लेटेड मिल सकते हैं ठीक है तो ये चीजें आपको चेस्ट एक्सरे में मिल रही है ये इसके लिए डायग्नोस्टिक नहीं है ठीक है कोई रेडियोग्राफिक साइंस नहीं है जो कि हम सीओपीडी के पेशेंट्स को लेबल कर सकेंगे हाँ ये और एक हमने चीज पढ़ी कि इसमें राइट हार्ट फेलियर होगा तो जो लंग्स के अंदर इतना ज्यादा ब्लड अक्यूमुलेट हुआ होता है और बैक प्रेशर की वजह से राइट हार्ट फेलियर हो रहा होता है तो इसके अंदर जो ब्रोंको वास्कुलर मार्किंग होती है लंग्स के अंदर वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है ब्लड वेसल्स डायलेट की होती है इतने ज्यादा ब्लड की वजह से तो एक्सरे के अंदर आपने फाइंडिंग नोट डाउन कर लो कहीं पर ये ये फाइंडिंग्स हमें एक्सरे के अंदर मिल सकती है लंग्स की हाइपर मिल सकती है ठीक है कार्डियो मगैली मिल सकती है थर्ड इज इनक्रीज ब्रोंको वास्कुलर मार्किंग्स मिल सकती है क्योंकि ब्लड वेसल्स की वेजोडाइलेशन हुई होती है इतना ज्यादा ब्लड होने की वजह से उनके अंदर ये तीन चार चीजें हैं जो आपको एक्सरे के अंदर मिल सकती हैं फिर आपने मुझे खुद ही स्टार्ट में बता दिया था कि एफ ई वी वन फोर्स एक्सपेरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड बाय फोर्स वाइटल कैपेसिटी की जो रेशियो है वो इसके अंदर डिक्रीज होती है तो वो लेस देन जीरो पॉइंट एट होगी या लेस देन एटी परसेंट होगी ठीक है तो एक इसके अंदर ये होता है और अब हम इसी एफ ई वी वन पे सुबैरिटी को डिफाइन कर सकते हैं ये इस दफा हमारा प्रॉफ का क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने लगी हूँ ठीक है पल्स ऑक्जीमीटरी का बहुत ज्यादा रोल है इसके अंदर क्योंकि हाइपोक्सिया होता है, है, है पेशेंट को ऑक्सीजन सेचुरेशन पेशेंट की डिक्रीज होती है तो इस पेशेंट को फिर हमारा दूसरा एक ट्रीटमेंट का ऑप्शन आ गया कि हमने इस पेशेंट को ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन थेरेपी पे भी लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी पे भी लगा सकते हैं ठीक है अब ये जो अगले पेज पे सेवनटीन पॉइंट टू सिक्स एक बॉक्स बना हुआ है स्पायरोमेट्रिक क्लासिफिकेशन ऑफ सीओपीडी स्पेरिटी बेस्ड ऑन पोस्ट ब्रॉन्कोडाइलेटर एफ ई वी वन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस दफा हमारा प्रॉफ का एक नंबर का क्वेश्चन था एससीक्यू के अंदर उन्होंने पूछा हुआ था अब उन्होंने कहा है कि ये तो हमें पता है ये जो फर्स्ट जो बनी हुई है फर्स्ट कॉलम जो बना हुआ है एफ ई वी वन ओवर एफ वी सी की जो रेशियो है ये सब में हमें पता है सीओ पी डी के अंदर लेस देन जीरो पॉइंट एट ही मिलेगी या लेस देन जीरो पॉइंट सेवन ही मिलेगी आगे उन्होंने सिंपल एक सिंगल एफ ई वी वन को लिया है और उसकी बेस पे उन्होंने स्वेरिटी को डिफाइन किया उन्होंने कहा है अगर एफ ई वी वन अकेला एफ ई वी वन मोर देन एटी परसेंट है क्वेश्चन तो... है किसी का ये yes, सर अभी मैं रिपीट कर रही हूँ पहले एक दफा देखो मैंने बताया है कि ये जो सेवनटीन पॉइंट टू सिक्स एक टेबल बना हुआ है कॉलम्स डिफरेंट बने हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इसके अंदर जो गोल्ड स्टेजिंग है ना थाउजेंड एट जो गोल्ड लिखा हुआ है स्टेज वन टू थ्री फोर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात ये है कि हमें पता है कि सीओपीडी के अंदर जो एफ की रेशियो होती है एफ के साथ वो लेस होती है जीरो से ठीक है अब उन्होंने क्या किया है आगे एक एफ ई वी वन को सिंगल ले लिया है और उसको डिफाइन किया हुआ है अब रेशियो को साइड पे रख दिया है और एफ ई वी वन जो कि ऑलरेडी रिड्यूस होती है उसकी बेस पे इसकी स्वेरिटी को डिफाइन किया है अगर तो वो मोर देन एटी परसेंट है तो दैट इज माइल्ड ठीक है रेशियो सब में कम है सिर्फ एफ ई वी वन को लिया है इफ इट इज बिटवीन फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट दैट इज मॉडरेट और 30 टू 49 परसेंट दैट इज स्वेयर एंड लेस देन 30 परसेंट वेरी स्वेयर है ठीक है ये ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन है ये सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन नहीं है जैसे बताई गई है ये बस इसी तरह हम पेशेंट को लेबल कर देते हैं ये रट्टा मारना है इसलिए मैं बता रही हूँ ये ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन है ओके okay. माइल्ड है तो वो गोल्ड की स्टेज वन है मॉडरेट है तो वो गोल्ड की स्टेज टू है स्वेयर है तो वो गोल्ड की स्टेज थ्री है वेरी स्वियर है तो वो गोल्ड की स्टेज फोर है अब हमें क्वेश्चन ये आया था कि एक पेशेंट है सिक्सटी ईयर ओल्ड अगर वो मुझे मिलता है मैं दोबारा आप लोगों को दिखाती हूँ एक पेशेंट है सिक्सटी ईयर ओल्ड एक साल पहले उसकी जो एफ ई वी वन प्रिडिक्टेड आई थी वो मोर देन एटी परसेंट थी तो तब उसकी स्टेज थी गोल्ड स्टेज वन अब वो जब प्रेजेंट किया है अक्यूट एग्जर्वेशन के साथ तो अब उसकी जो एफ ई वी वन है वो सिक्सटी वन परसेंट है तो अब वो किस गोल्ड स्टेज में लाइक करते हैं ये हमारा क्वेश्चन था और ये सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन था इस तरह से हमारे इसके सीओपीडी के क्वेश्चन के बहुत ज्यादा पार्ट बने हुए थे और उसमें से ये एक क्वेश्चन था कि कि पहले उसकी 80 थी FEV1, तो तब उन्होंने बताया कि वो गोल्ड स्टेज वन में था अब उसकी जो वन है दैट लाइज बिटवीन द टू तो अब उसकी गोल्ड स्टेज क्या होगी तो दैट इज गोल्ड स्टेज टू ये इस तरह से हमें इसका क्वेश्चन आया हुआ था ओके okay. अब एक बात हमने कर ली थी ना कि किससे मोर्टेलिटी रिड्यूस होती है किससे लाइफ स्टाइल बेटर होता है सीओपीडी के पेशेंट का तो मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट एंड फोर मोस्ट थिंग इज सिजेशन ऑफ सिगरेट स्मोकिंग ठीक है सबसे पहले आपने ये करवाना है पेशेंट को क्योंकि इट रिमेन्स द ओनली स्ट्रेटेजी दैट इम्पैक्ट फेवरेबली ऑन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सीओपीडी ठीक है ये लंग फंक्शन को इंप्रूव करती है ये मोर्टैलिटी को रिड्यूस करती है ये हॉस्पिटलाइजेशन को रिड्यूस करती है पेशेंट के ठीक है ये सारी चीजें स्मोकिंग की सिजेशन से हो रही होती है दूसरा पॉइंट इसके ट्रीटमेंट में क्या आता है जो एस्तमा में अब इसमें भी है तो ऑब्स्ट्रक्शन ना तो ट्रीटमेंट हमने इसमें ब्रोंको ही देने हैं ठीक है थीके? तो ब्रॉन्को हमने उसमें कौन कौन से पढ़े थे बीटा टू एगोनिस्ट पढ़े थे हमने उसके अंदर सालब्यूटामोल साल्मेट्रोल एलब्यूट्रोल ये ब्रोंकोडाइलेटर्स दे सकते हैं शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग दोनों दिए जा सकते हैं इसके अलावा भी हमने ब्रोंकोडाइलेटर्स पढ़े हुए हैं पढ़े हुए हैं हमने ठीक है ये भी इप्राट्रोपियम हमने पढ़ा ठीक है एंटी मस्कुरेनिक, मस्कुरेनिक में ये दिया जा सकता है पेशेंट को तो ये सारे जो ब्रॉकोडाइलेटर्स हैं ये हम पेशेंट को दे सकते हैं जो एस्तमा में देते थे वो यहाँ पे भी ब्रोंकोडाइलेटर्स दे सकते हैं और एस्तमा में हम एक इनहेल्ड ग्लूकोकोटिकॉइड्स का भी रोल पढ़ते थे ठीक है तो इनहेल्ड ग्लूकोकोटिकॉइड्स एंड ब्रोंकोडाइलेटर्स ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये सनर्जिज्म में काम करता है व्हाट इज सिनर्जिज्मर्जिज्म का मतलब वन प्लस वन इज इक्वल टू टू नहीं होता सनर्जिज्म का मतलब होता है वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री ठीक है मैथ्स यहाँ पे खराब हो जाता है लेकिन जो साइंस है वो बहुत ज्यादा काम करती है मतलब कि अगर आप दो चीजें कंबाइन करके दे रहे हो तो उनका फंक्शन उनके सिंगल फंक्शन से भी ज्यादा डबल हो जाता है ठीक है तो जो कंबाइंड इनहेल्ड ग्लूकोकॉटिक्वाइड और ब्रोंकोडाइलेटर का कॉम्बिनेशन है ये इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को और रिड्यूस करता है एग्जेसर को तो ये ड्रग ट्रीटमेंट है इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स इन इनहेल्ड ग्लूकोकॉटिक्वाइड अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रोंको हमने यहाँ पर ऑक्सीजन सिगरेट स्मोकिंग की सिजेशन पढ़ ली हमने यहाँ पे ब्रोंकोडाटर्स का रोल पढ़ लिया यहाँ पे हमने इनहेल्ड ग्लूकोकॉटिक्वाइड का रोल पढ़ लिया क्या कहीं पर हम मैंने आपको बताया था कि ओरल ग्लूकोकोटिकॉइड्स का रोल कहां पर आता है चलो अब तो मैंने नीचे कर दिया अच्छा यस अक्यूट सुबेयर एस्तमा में में कभी भी नहीं आपने पेशेंट को इनहेल्ड ग्लूकोकॉटिकॉइड देना तब वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे तब आपने पेशेंट को हमेशा सिस्टामिक गुकोकॉटिकॉइड देने हैं सिस्टेमिक ग्लूकोकॉटिकॉइड्स के दो रूट्स होते हैं एक है आपके पास ओरल और एक है आयु के भी एमसीक्यू है क्यू का वो आपको लिस्ट डाउन कर देते हैं कि अक्यूट सीओपीडी है या ऑफ है आप पेशेंट को कौन से ड्रग नहीं देने इनमें से तो इनहेल्ड ग्लूकोकोटिक्वाइड का कोई रोल नहीं होगा अक्यूट एग्जेसेशन में तब आपको ओरल ग्लूकोकोटिकॉइड क्योंकि पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेयर जो है एग्जेसर एक, स्वेयरिटी बहुत ज्यादा हो गई है उसके डिजीज की तो इनहेल्ड ग्लूकोकोटिकॉइड इतना ज्यादा काम नहीं करेंगे जितना सिस्टामिक गुकोकोटिकॉइड्स काम करेंगे अच्छा जी ओरल क्लूकोटिकॉइड्स का रोल सिर्फ एग्जस के अंदर है और पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन जो है इसके अंदर पेशेंट को एक्सरसाइज जो प्र, जो ब्रेथलेस होते हैं पेशेंट जिनको डिस्निया होता है फिजिक उनको आप फिजियोथेरेपी बताते हो ठीक है पॉस्चुरल ड्रेनेज बताते हो पॉस्चुरल ड्रेनेज का मतलब होता है जो इतना ज्यादा स्कूटम इकट्ठा हुआ होता है जो कफ आ रही होती है पेशेंट को वो पॉस्चुरली हम उसको ड्रेन कराते हैं ठीक है तो ये पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन होती है फिजियोथेरेपी कराते हैं और पेशेंट की न्यूट्रिशन अच्छी करते हैं पेशेंट को एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग द डिजीज और दिस इज पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन नाउ इसमें फिर हम अब जो हम पढ़ने लगे दैट इज एमसीक्यू पॉइंट ऑक्सीजन थेरेपी दूसरी जो चीज थी ना मैंने कहा था दो ही चीजें हैं जो uh, मोर्टेलिटी को रिड्यूस करती है सीओपीडी के ट्रीटमेंट में कोई ड्रग नहीं मोर्टेलिटी को रिड्यूस करता ठीक है ड्रग वैसे इंप्रूव कर सकता है फंक्शन को लेकिन मोर्टेलिटी को रिड्यूस नहीं करता तो एक है सिजेशन ऑफ सिगरेट स्मोकिंग एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन थेरेपी ठीक है तो ऑक्सीजन थेरेपी और सिगरेट स्मोकिंग दो ही ट्रीटमेंट ऑप्शन है इसके जो कि इसकी मोर्टेलिटी को रिड्यूस करते हैं और क्योंकि पेशेंट हाइपॉक्सिमिया होता है तो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर ऑक्सीजन थेरेपी जो है ना ये जो बॉक्स बना हुआ है नावनटीन सेवन ये आपने अच्छे से याद कर लेना है ऑक्सीजन थेरेपी बस इन इन कंडीशन में देनी है और इसी के एमसीक्यूज बना के उन्होंने पूछे होता है ये जो तीन चीजें लिखी हुई है ठीक है अगर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फिफ्टी फाइव मिलीमीटर्स ऑफ मर्क से डिक्रीज हो रहा है अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी है लेकिन साथ पल्मोनरी हाइपर टेंशन डेवलप हो गई है पेशेंट को या पेरिफेरल है तो तब और uh, और पेशेंट को स्मोकिंग स्टॉप कर दी है लेकिन फिर भी पेशेंट को अटैक्स हो रहे हैं सीओपीडी के तो फिर ऑक्सीजन थेरेपी का रोल आ जाता है ठीक है तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट चार ये तो सारी चीजें हो गई एक लास्ट सर्जिकल इंटरवेंशन है उसके अंदर आप जो इन्वॉल्व लंग का पार्ट होता है जैसे एम्फाइसीमा के अंदर आप उसको बिल्कुल रिसेक्शन कर सकते हो उसकी लंग वॉल्यूम रिड्यूस कर सकते हो इस तरह ये दो तीन चीजें हैं जो सर्जिकल इंटरवेंशन में कर सकते हैं लेकिन अगर आपको इसका ट्रीटमेंट लिस्ट डाउन करने के लिए आ गया है तो सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है रिड्यूस रिडक्शन इन एपिसोड्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग फिर आपने उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेल्ड ग्लूकोकोटिकॉइड्स प्लस ब्रोंकोडाइलेटर थेरेपी फिर उसके बाद आपने लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी और फिर आपने लिखना है कि इफ ड्यूरिंग अक्यूट एक्जेशन तो आपने और पेशेंट को कोर्स कराना है ये सारी चीजें होगी ये वाला सेवनटीन पॉइंट टू एट कैलकुलेशन ऑफ बॉर्ड इंडेक्स ये नहीं करना टू वर्ड जैसे अक्यूट एग्जसबेशन ऑफ एस्तमा थी वैसे ही अक्यूट एग्जसबेशन ऑफ सीओपीडी है जो पेशेंट को सिमटम्स आ रहे थे अब आएगा पेशेंट कि अब पेशेंट की जो इलनेस है वो बहुत ज्यादा हो गई है पेशेंट एमरजेंसी में आपके साथ

एक निमोकोकल की वैक्सीन और एक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब जब पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आ गया है, तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल एडमिट करके ऑक्सीजन थेरेपी देनी है और शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्टर रैपिडली काम करेंगे वो एडमिनिस्टर करना है ठीक है ऑक्सीजन लगा दी और उसके बाद देखो अब यहाँ पर हमने हमनेल ग्लूकोकॉटिकॉयड्स नहीं दिए अब यहाँ पे हमने ओरल प्रेडनी सलोन दी है ठीक है सिस्टामिक गुकोकॉटिकॉइड्स दिए हैं और क्योंकि अक्यूट एग्जिसन ऑफ सीओपीडी का ट्रिगर था बैक्टीरिया वायरसेस या कोई और इन्फेक्शन तो पेशेंट को एंटीबायोटिक लाजमी देनी है ठीक है और वो कोई टेट्रासाइक्लिन होनी चाहिए या मैक्रोलाइड uh, होनी चाहिए ठीक है ये चीजें होंगी और पेशेंट अगर लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी पे नॉन वेंटिलेशन लगा सकते हैं बाय मास्क और बायपै पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और अगर ये भी काम ना आए तो फिर पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन पे भी आ, लगाना पड़ सकता है बस ये इसका ट्रीटमेंट था अगर अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे वरना मेरे पास दो तीन क्वेश्चन है वो मैं शेयर करने लगी हूँ आप लोगों तो के साथ टाइप कर दो मैं फिर आंसर कर दूंगी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो मिक्स ही होंगे ठीक है आप लोगों ने आंसर करना है।, okay. है सबको क्वेश्चन है सिक्सटी ईयर ओल्ड मेल विद प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कफ विद एक्सपेक्टोरेशन फॉर लास्ट सिक्स मंथ्स

ये इस क्वेश्चन का डायग्नोसिस यस ठीक है क्वेश्चन एक दफा दोबारा पढ़ लो दोबारा सिर्फ इसका कम्प्रीहेंसिव डायग्नोसिस बताना है चलो जो भी डायग्नोसिस है वो बताओ सिक्सटी ईयर ओल्ड प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है उसको छह महीने से अब वो प्रेजेंट किया है इनक्रीज सिम्टम्स और डेट्रेशन ऑफ हेल्थ स्टेटस एंड लंग फंक्शन के साथ और उसके रिस्पेक्टर क्या है वो स्मोकर है अब उसको वो फिबराइल है फीवर है और बीपी उसका इतना है नॉर्मल है पल्स उसकी वन टेन है रेस्पिरेशन रेट उसका थर्टी है रेस्ड है वट इज योर डायग्नोसिस यस yes, ठीक है एग्जैक्टली exactly. ये सीओपीडी है ठीक है लेकिन एक चीज याद रखो कि अब वो प्रेजेंट किया है डेट्यूरेशन ऑफ हेल्थ स्टेटस और लंग फंक्शन के साथ तो दैट इज अट एक्सर्वेशन ऑफ सीओपीडी ओके अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ये बताना है

yes Achha, ye question dekho. a 60 year old heavy smoker for last 20 years presented to emergency room with severe dyspnea v's central cyanosis and fever patient had past history of tuberculous pleural effusion on right side which was treated with anti tuberculous therapy examination revealed central cyanosis his blood pressure was 150 and breathing rate was 30 chest examination revealed bilateral crepitations and v's इसका क्या डायग्नोसिस है और इसमें रिस्क फैक्टर्स भी मुझे बताना कि इस पेशेंट में रिस्क फैक्टर्स क्या है ये मुझे दिखाई नहीं दे रही है अच्छा हाँ ये मुझे यस पी सीओपीडी है इसके सीओपीडी के स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर है और इसका देखो साथ उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कितने है। उसको अभी भी फीवर है ठीक है अभी भी उसको इन्फेक्शन हुआ हुआ है उसने पास्ट में उसकी टूबर्कल की हिस्ट्री है तो वो जो रिस्क फैक्टर वाला डब्बा है ना जिसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और होस्ट फैक्टर्स लिखे हैं वो रट लेना अच्छे से वो कोई भी रिस्क फैक्टर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर बता सकते हैं ठीक है थीके? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अच्छा ये चीज हो गई आई गेस एक और क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाती हूँ यस एग्जैक्टली इसको अक्यूट क्योंकि ये एमरजेंसी एमरजेंसी रूम था ना आपके पहली लाइन में लिखा हुआ था कि वो एमरजेंसी रूम में आपके पास प्रेजेंट किया है तो ये अक्यूट एक्सर्बेशन लेबल करेंगे सीओपीडी की एक और क्वेश्चन है बस वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो हमें आया हुआ था solved Wait a minute, Miss. अच्छा चलो ठीक है इसको छोड़ो मैं ना वो वाला क्वेश्चन आपके ग्रुप में भेज रही अभी वो यहाँ पर अपलोड नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों स्क्रीन शेयर नहीं हो रही बस एक लास्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फिर आप लोग मुझे उसका आंसर बता देना और एक बात एक और बात है एक मिनट जस्ट अ मिनट हाई प्रेशर ऑक्सीजन क्यों नहीं देनी होती सीओपीडी के पेशेंट को यह भी एक कॉन्सेप्ट है सीओ पी डी के पेशेंट को आपने एक नाइंटी से नाइनटी टू परसेंट तक सेचुरेशन की रेंज में ऑक्सीजन देनी होती है क्यों क्योंकि इतनी क्रॉनिसिटी में जो ब्रेथलेसनेस होती है पेशेंट को इतनी क्रॉनिकली वो तो चल रही होती है तो पेशेंट्स के लंग उस ऑक्सीजन सेचुरेशन पर अडेप्ट हो जाते हैं ठीक है तो अगर आप पेशेंट को 95 परसेंट या 100 परसेंट लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन की थेरेपी पे लगा दोगे तो वो पेशेंट को टाइप टू रेस्पिरेटरी फेलियर में ले जाएंगे ठीक है सडनली पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पेशेंट की एबीजी सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी ठीक है तो पेशेंट अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकते हैं इसलिए पेशेंट को 100 परसेंट ऑक्सीजन पे नहीं लगाना लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन 88 से 92 परसेंट ऑक्सीजन बस इन सीओपीडी के पेशेंट्स को देनी होती है बस ये एक पॉइंट था अब मैं ग्रुप में क्वेश्चन भेज रही हूँ मुझे उसके आंसर्स बताने उसके सारे पार्ट्स के ओके अल्लाह